आपका धन धान्य बढ़ता रहे और आपके अंदर परोपकार करने की भावना जागे। ठाकुर जी से यही प्रार्थना, आप भी सबका भला कीजिए, आप भी समाज का हित कीजिए, कोशिश कीजिए मन से वाणी कर्म से हम किसी का दिल ना दुखाएं, सबका भला हो। सबका भला करने से हमारा भला होता है, किसी का बुरा करने से हमारा बुरा होता है। आग की तीली, माचिस की तीली, चिंगारी माचिस की तीली औरों को बाद में जलाएगी, खुद को तीली माचिस की खुद को पहले जलाती है। जब आप किसी का बुरा करने का सोचते हो उसका बाद में होगा, पहले तुम्हारा ही होगा। इसलिए भावना मन में बदले की ना हो, किसी का बुरा ना हो, मनसा वाचा कर्मणा सबका भला सोचो। हे प्रभु सबका भला हो, बोलो हे प्रभु सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। हे प्रभु अपने चरणों की भक्ति प्रदान की। हमारे श्री संप्रदाय में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु संसार के प्रत्येक व्यक्ति का दुख मुझे दे दो और मेरे जीवन की सारी खुशियां संसार को बांट दो, सबका दुख मुझे दे दो, कोई दुखी ना रहे, कोई परेशान ना रहे, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। हे प्रभु सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, यही प्रार्थना है। स्वयं भी खुश रहो औरों को भी खुश रखो। कौन कौन खुश रहेगा आज से? हर परिस्थिति में खुश, और हर परिस्थिति में औरों को क्या रखेंगे? खुश। और कौन कौन सहयोग करेगा वृद्धमाओं के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए? आप नहीं करोगे मेरी माँ? जब कमाने लग जाना तब करना, पर अच्छे भाव अभी से सोचो, करेंगे। वृंदावन में वृद्ध माएं रहती हैं, वो माएं जिनके अपनों ने साथ नहीं दिया, सहारा नहीं दिया, अपनों ने छोड़ दिया, उन बूढ़ी माओ के लिए ये दास आप लोगों से कहता है कि आप भी इन माओ का सहारा बनो। जो औरों का सहारा बनता है भगवान उनके सहारे होते हैं। इसलिए अब तो हम जा रहे हैं आज, इसलिए आप लोगों के पास बिहारी जी ने भेजा था, जाओ इन लोगों का भी थोड़ा थोड़ा धन धर्म से जोड़ो। एक राजा ने एक मंदिर बनवाया तो गांव के सब लोगों से भीख मांगा, थोड़ा दे दो थोड़ा दे दो। लोगों ने कहा, तुम तो इतने बड़े राजा हो, तुम्हें क्या जरूरत है भीख मांगने की? राजा ने कहा, मंदिर मैंने बनाया तो लोग कहेंगे राजा ने मंदिर बनवाया, और आप लोगों का थोड़ा थोड़ा धन इस मंदिर में लगेगा तो आप भी गर्व से कहोगे हमारा है मंदिर। मंदिर से एक अपनापन जुड़ जाएगा, भगवान से एक अपनापन जुड़ जाएगा। बस यही है कि देखो माँ की सेवा, आश्रम का निर्माण जहाँ 1000 वृद्ध माए रहेंगी, ये सब काम तो होने ही है, रुकेंगे तो नहीं, पर इसमें आपका भी थोड़ा सहयोग लग जाएगा तो आपकी भी अंतरात्मा कहेगी हाँ ईश्वर ने कुछ दिया था, बनाया था कुछ लाए तो जो बन पड़ा हमने ना हाथों से किया। कहीं ये ना हो कि करने लायक तो बहुत थे पर कुछ किए ही नहीं। करने लायक हो तो करना जरूर, थोड़ा ही सही। 1000 वृद्ध माओं के लिए आश्रम बन रहा है, हम तो नहीं रहेंगे, 100 साल तक थोड़ी हम जिएंगे, जब तक रहेंगे सेवा करेंगे माओ की, पर हमारे ना रहने पर भी एक इमारत खड़ी रहेगी, इसमें आपका थोड़ा थोड़ा सहयोग लगेगा तो कभी आपके बच्चे वृंदावन आएंगे तो वो कहेंगे कि गौरी गोपाल नाम का एक आश्रम है, उसमें हमारा भी थोड़ा सा योगदान लगा है। तो आपका तो यूं पैसा शराब इत्यादि में कितना खर्च होता है, बीमारी और यहाँ वहाँ, कभी अच्छे काम में लगने का मौका मिले तो ये अवसर ना गवाया करो, है ना। तो आप भी वृद्धाश्रम के निर्माण में जो बने आप भी अपना योगदान दीजिए, और आप भी पीछे कार्यालय में नाम लिखा कर रसीद प्राप्त कीजिए, एक कमरा बनवा कर आप दे सकते हैं। जैसा कि आज आपके शहर से निर्मला मैया और विजय जी ने कमरा बनवा के वृद्धमाओं को, आप एक कमरे की छत का सहयोग कर सकते हैं। किसी को छत और कमरे का सहयोग करना है तो आप हाथ उठा लें और नाम लिखवा सकते हैं।
आप एक माँ को गोद ले सकते हैं, एक माँ को गोद लेकर आप सदा के लिए माँ का पुत्र बनकर सेवा से जुड़े। अन्य क्षेत्र की सेवा गौरी गोपाल गुरुकुल बन रहा है, जहाँ बच्चों का सुंदर सी शिक्षा की व्यवस्था होगी। हिंदू राष्ट्र क्यों बनना जरूरी है? क्योंकि आज मदरसों को तो सरकार ने परमिशन दे रखी है, पर सरकार की तरफ से एक भी सनातनी गुरुकुल नहीं चल रहे, इसलिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। तो गौरी गोपाल गुरुकुल सरकार तो सरकार अपने ढंग से कार्य करती है, पर गौरी गोपाल गुरुकुल बनेगा जहां उच्च कोटि की शिक्षा बच्चों को निःशुल्क दी जाएगी। आप भी आज गौरी गोपाल गुरुकुल के लिए, शिक्षा के लिए थोड़ा जागरूक बनिए। आपके सहयोग से ही ये सारी सेवाएं चल रही हैं। और आप लोगों को एक बात कह दूं, यदि आपको लगे कि महाराज जी बता रहे हैं पता नहीं हो रहा है कि नहीं, तो आप आकर अपनी आंखों से देखिएगा जो आश्रम में माँ की सेवा हो रही है, अन्य क्षेत्र